की वीडियो में हम दो ऐसे शेयर डिस्कस करेंगे जिसमें कि बाइंग हम बाइंग कर सकते हैं और धीरे धीरे इन्हें अक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड, दोनों के दोनों शेयर ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और जैसा कि मार्केट की गिरावट हो रही है अडानी में जो न्यूज़ है उसके कारण, तो यहाँ पे दो शेयर्स यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला सेलेक्ट हमने किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी क्लियर नहीं है कुछ एक्सपोजर भी इसमें हो सकता है, पर टेक्निकली हम इसमें देखने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ हम नहीं देखने वाले। न्यूज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या इसका एक्सपोजर है क्या नहीं है, पर जो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है तो ये अपनी सपोर्ट लेवल के काफ़ी आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहाँ पे बाइंग हम कर सकते हैं और फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग बैंक भी यहाँ पे है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम देखिए इस लेवल के बाद यहाँ पे इसे हाई यहाँ पे बनाया था 604 के बाद सीधा यहाँ पे लो इसे बना दिया है 532। तो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी भारी गिरावट इसमें देखने को हमें मिली है 604-532। तो ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स ये ऑलमोस्ट फॉल यहाँ पे कर चुका है। तो अब इसमें जो फ्रेंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जैसे कि मैंने बताया है, तो टेक्निकली अगर इसमें देखें तो अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट और बाकी नहीं रह गई है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये वाली जोन जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की यहाँ पर गोल्ड कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये हाई कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पे काफ़ी टाइम इसे बिताया है। लगभग नंबर ऑफ कैंडल्स आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो काफ़ी सारी ये कैंडल्स हैं, एक डेढ़ महीना इसे इसी जोन में बिताया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब SBI बैंक के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ करके आपको बता दी थी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है और यहाँ तक फाइनल मूवमेंट हो सकती है, पर डाउनफॉल इतनी फास्ट थी, फर्स्ट टारगेट तो इसने एक ही दिन में यहाँ पे हिट कर दिया और सेकंड टारगेट हमारा था सपोर्ट लेवल का इस लेवल को, तो इस लेवल को सेकंड डैमेज से ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है। तो जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था 544, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मेरी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है फ्रेंड, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस कर ले और अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट एक बार कर ले। मेरी पर्सनल ओपिनियन है फ्रेंड, यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसे लो यहाँ पे बनाया है 532 का लो यहाँ पे बनाया है, तो इस जोन में यहाँ पे फर्स्ट हम दो तीन लॉट में बाई, लॉट मीन्स दो तीन इंस्टॉलमेंट में बाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहली बाइंग यहाँ पे हम कर सकते हैं जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, देन हमें वॉच करना है कि 532 के लेवल को ये ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर 532 के लेवल को ये ब्रेक करता है देन ये मूवमेंट यहाँ पे फाइनल सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है, 519 के लेवल तक यहाँ पे लेके जा सकती है। तो एक इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, देन हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बाइंग करना है जब ये 532 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई दे, तो हम फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे 519 के जितनी आसपास हमें मिलेगा यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो दो इंस्टॉलमेंट में SBI को अक्यूमलेट हम कर सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हम इसमें यहाँ पे मान लीजिए 509 का लेके चलेंगे, 509 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, पर दो उसमें एक्यूमलेट करेंगे
तो बढ़िया, यहाँ पे एवरेज आउट भी बढ़िया हो जाएगा, मतलब बढ़िया बाइंग प्राइस पे हमें ये मिल जाएगा और 509 का स्टॉप लॉस रखेंगे। क्योंकि अगर सपोज करिए इस सपोर्ट जोन को हालांकि ब्रेक करना तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, पर फिर भी इन केस अगर ये ब्रेक कर देता है तो देन ये यहाँ पे 492 तक का डाउनफॉल यहाँ पे दिखा सकता है। तो फर्स्ट बैंक हमने यहाँ पे SBI को सेलेक्ट किया है, और सेकंड बैंक जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में बाइंग की जा सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था काफी दिनों से, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इसे दे दिया है और 3 दिनों में लगभग यहाँ पे लो इसे मार दिया है 851 का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा रिस्की है एज कंपेयर टू SBI बैंक। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम ऐड कर सकते हैं 851 के आसपास, जितनी आसपास अगर हमें ये मिल जाता है तो बाइंग कर सकते हैं। अगर 851 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे फाइनल सपोर्ट इसका 813 के आसपास है, हालांकि काफी नीचे है, पर यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ से ये रिवर्सल भी ले सकता है। अगर थोड़ा रिस्क, जैसे कि मैंने बता दिया है SBI एज कम्पेयर टू SBI, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए, रिवर्स चला गया तो छोड़ दीजिए, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन यहाँ पे 815 के आसपास इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस आप 788 का लेके चल सकते हैं। तो दो बैंक फ्रेंड्स ये सेलेक्ट किए थे मैंने जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अपनी बाइंग लेवल के आसपास मुझे दिखाई दे रहे थे। तो फ्रेंड एक बार फिर से रिपीट करूँगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने एनालिसिस ज़रूर कर ले और अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट कर ले। तो फ्रेंड इनके अलावा अगर और किसी शेयर्स में आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं एनालिसिस करके, और डिसाइड कर सकते हैं किन शेयर्स में हम बाइंग कर सकते हैं इस डाउनफॉल में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।